मैं सजदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास सेकंड का चैप्टर थ्री करेंगे, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान बीरबल। तो बीरबल जो थे वो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे। वो अकबर के बहुत ही प्रमुख दरबारी थे और वो बहुत ही ज़्यादा होशियार और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, और उनकी हाजिर जवाबी का तो कोई जवाब ही नहीं था। तो आइए उनके बहुत सारे किस्सों में से एक किस्सा हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा था, उनके वजीर बीरबल थे। बहुत समय पहले की बात है, जब बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था तो वहाँ पे जो वजीर यानी मंत्री, वहाँ पे मंत्री कौन थे? बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। बीरबल जो थे पूरे राज्य में अपनी अपनी चतुराई, अपनी होशियारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वे राजा के अत्यंत प्रिय थे। तो जो अकबर का दरबार था, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीरबल से बहुत ज़्यादा जलन करते थे। क्यों? ईर्ष्या यानी जलन। जलन करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि वो अकबर के बहुत ही ज़्यादा प्रिय थे, वो अकबर को बहुत ज़्यादा वो पसंद थे इसलिए। और वे लंबे समय से वजीर का पद संभाल रहे थे, और क्योंकि वो बहुत दिनों से मंत्री पद संभाले हुए थे इसलिए भी लोग उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर के सामने बीरबल की जगह तानसेन को वजीर बनाने का विचार रखा। इसी वजह से कुछ दरबारी मिलकर उन्होंने क्या किया, अकबर के पास गए। वो अकबर के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब बीरबल को मंत्री पद से हटाकर तानसेन को उनकी जगह मंत्री पद दे दिया जाए। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। तानसेन जो थे उनकी रुचि संगीत में थी। वे भी अकबर के प्रमुख दरबारी थे, वो भी अकबर के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। यानी तानसेन भी जो थे वो भी अपनी जगह एक विशिष्ट स्थान रखते थे अकबर के दरबार में। बादशाह अकबर ने बीरबल और तानसेन में से किसे नया वजीर चुना जाए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब दोनों में से किसी एक को नया वजीर चुनने के लिए बादशाह अकबर ने एक योजना बनाई कि चलो हम लोग इन दोनों में से कौन अच्छा मंत्री होगा इसको चुनने के लिए एक टेस्ट करते हैं। एक दिन अकबर ने दोनों को एक पत्र थमाया। उस पत्र को एक दूसरे देश के राजा के पास पहुंचाना था। एक दिन क्या हुआ कि अकबर ने दोनों को एक पत्र दिया और बोला कि इसे लेकर दूसरे देश के राजा के पास पहुंच जाओ, लेकिन हाँ, उन लोगों को उस पत्र को खोलकर देखना नहीं था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब बीरबल और तानसेन पत्र लेकर दूसरे देश के राजा के पास पहुंचे तो उसे वहां पढ़ा गया। जब वो लोग दूसरे देश के राजा के पास पहुंचते हैं तब उस पत्र को वहां पर पढ़ना स्टार्ट किया गया। इन पत्र में इन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सजा लिखी थी। इस पत्र में जो था इन दोनों को सजाए मौत लिखी हुई थी। दोनों को फांसी पर चढ़ाने के लिए की बात कही गई थी। सजा सुनकर तानसेन भयभीत हो गए। भयभीत होना यानी डर जाना। जो ये सजा सुनकर, ये फांसी की बात सुनकर जो तानसेन थे वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने बीरबल से चुपके से कहा, मित्र मुझे बचा लो, मुझे वजीर नहीं बनना। तो उन्होंने धीरे से अपने मित्र यानी अपने बीरबल से कहा कि मुझे बचा लो, मुझे ये मंत्री पद वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। बीरबल अत्यंत चतुर थे, उन्हें तुरंत एक उपाय सूझ गया। जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा ही वो ज्ञानी थे, आपको बताया ही मैंने कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो उन्हें तुरंत एक प्लान सूझ गया, तुरंत एक योजना सूझ गई। दोनों ने कानाफूसी की, फिर दोनों में पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गए। अब दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा सुना और उसके बाद दोनों आपस में ही लड़ने लगे कि पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इसे देखकर सैनिक चिंतित हो गए। चिंतित होना यानी परेशान हो जाना। ये देखकर कि दोनों में फांसी पर पहले चढ़ने के लिए होड़ लगी हुई है, तो ये सारा सीन देखकर जो सैनिक थे वो बहुत चिंतित हो गए, और फिर वो लोग इस सूचना को लेकर अपने राजा के पास पहुंच गए। और जब ये बात राजा को पता चली तो वो भी बहुत ही हैरान, आश्चर्य हो गए। आश्चर्य होना मीन्स हैरान हो जाना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फांसी की सजा सुनकर वो डरे ना, बल्कि उनमें पहले फांसी पर चढ़ने की होड़ लग जाए। राजा ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा
कि आप बहुत नेक इंसान हैं, आप बहुत ही भले इंसान हैं, नेक यानी भला, आप बहुत ही भले और अच्छे इंसान हैं। बादशाह अकबर आपको जीतना चाहते हैं और बादशाह अकबर क्या चाहते हैं कि वो आपको हरा दें और आपको आपके राज्य को जीत लें। उनके गुरु ने बताया है कि आप जैसा नेक इंसान, आप जैसा भला इंसान अगर किसी निर्दोष को सजा दे तो आपके पुण्य में, आपके अच्छे कामों में कमी आ जाएगी, जिससे आपको आसानी से जीता जा सकता है। जैसे जिससे कि आपके जब अच्छे कामों में गिरावट आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो आपको बहुत आसानी से हराया जा सकता है। बीरबल की यह बात सुनकर उस राजा ने कहा, हम निर्दोष को फांसी नहीं देंगे। निर्दोष यानी होता है जिसका कोई दोष ना हो। तो ये सारी बातें सुनकर जो था राजा, उसने कहा कि ऐसा है कि हम किसी को भी फांसी, किसी निर्दोष को जिसका कोई दोष ना हो, उसको फांसी नहीं देंगे। राजा के कहने पर बीरबल और तानसेन को छोड़ दिया गया। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम इन दोनों को छोड़ दो। अब दोनों सकुशल अकबर के दरबार में लौट आते हैं। अब दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से सही सलामत वापस अकबर के दरबार में लौट आते हैं। बीरबल की इस चतुराई को देखकर जो अकबर था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और बीरबल को ही वजीर पद पर बनाए रखा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई अचानक से परिस्थितियां ख़राब हों तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि उसका होशियारी से सामना करना चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसके सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर मिल जाएंगे। थैंक यू।